न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया था रामनवमी पर्व के दौरान, जिसमें 25 से अधिक लोग बैलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धंसने से बावड़ी में जा गिरे थे। और उस हादसे में अब जो बड़ी अपडेट आई है, उस बड़ी अपडेट में आपको बता दें, इसमें 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जी हां, आपको बता दें, बड़ी और दुखद घटना सामने आ रही है इंदौर में बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर में, जो है धसने से, जमीन धसने से जो है बावड़ी में 25 से अधिक जो लोग जा गिरे थे, और उसी दौरान उनका 19 लोगों का रेस्क्यू किया था। और उसमें बताया जा रहा है कि एक दुखद खबर यह है कि 13 लोगों की मौत की पुष्टि सामने आई है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मौत की पुष्टि की है, 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इनमें जो है महिलाएं भी शामिल है, और बताया जा रहा है कि 4-4 लाख रुपए का मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद घटना सामने आ रही है, जहां पर इंदौर में रामनवमी पर्व के दौरान जो है बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी की छत धंसने से 25 से अधिक लोग बावड़ी में जा गिरे, और बावड़ी में गिरे लोगों में से करीब 13 लोगों की इसमें मौत हो गई है। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख व्यक्त किया है। बड़ी और दुखद घटना इंदौर से। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 11 ऐसे डेड बॉडीज है ना रिकवर किए हैं, उसके सारे के मुंबई हॉस्पिटल है ना भेजा गया है। और आई थिंक अपील हॉस्पिटल में ना मतलब लोग भर्ती थे, उसमें 2 लोगों का है ना डेथ का है ना पुष्टि हुई है। सो इसको और हम लोगों के ना मतलब है ना डिटेल है ना जानकारी लेकर आपको बात करेंगे। अभी तक ये जानकारी है, अभी कुआ का पानी है उसको भी ना हम लोग ना ड्रेन कर रहे हैं, सो दैट और है ना अच्छे से सर्चिंग हो सके कि मतलब है ना और कोई है ना फंसे तो नहीं। तो सर रेस्क्यू टोटल लगभग सर्चिंग हो गया, कितने डेथ कितनी है कंफर्म? अभी हमको लग रहा है आई थिंक 12 का डेथ तो मतलब डेफिनेटली पुष्टि है ना मिली है, एंड 19 ऐसे लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया। वो जानकारी ना हम लोग ना अभी इकट्ठे कर दिया गया, उसका ना कलेक्ट करके आपके पास अभी। सर अंदर कितने लोग सर्चिंग चालू है सर? अभी सर्चिंग जारी है, बट अभी ना कितने भी 9 फीट का पानी था, कितने भी मैनुअली सर्चिंग हो सकती है पूरा सर्चिंग कर दिया गया, उनको है ना अभी ऐसे कोई चीज़ नहीं मिला गया। फिर भी है ना वाटर को ड्रेन कर रहा है, अभी ड्रेन करने के बाद नीचे का मलबा है उसका अंदर कहते हैं ना प्रॉपरली सर्चिंग करके देखेंगे। हाँ डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है इमीडिएटली, मैजिस्ट्रियल जांच का भी ना ऑर्डर हुआ है जी, एंड आई थिंक मैजिस्ट्रियल जांच भी होगी, इसमें ना कोई भी दोषी पाया जाएगा उनको ना जांच में ना सामने आएगा, उसके लिए जांच को निर्देश दिया है। उसके साथ साथ RBC 64 में ना कोई भी सहायता है मतलब ना उन सारे परिवारों को मिलेगा, घायलों को भी ना आर्थिक सहायता के लिए सीएम सर ने RBC 64 में 4 लाख रुपये का ना प्रावधान है।